आज के इस वीडियो में हम निसान की दिसंबर सेल्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2020 में निसान की कारें कितनी संख्या में बिकने में सफल हुई है या कितनी संख्या में बिकी है, इसकी बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कारों से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडिगो की। जी हाँ दोस्तों, डटसन अब निसान के साथ, निसान के लोगों के साथ और नए नाम के साथ अपनी गाड़ियाँ बेच रही है। तो रेडिगो की बात करें तो दिसंबर 2020 में 502 यूनिट बिकी है और ये काफ़ी चिंता है, क्योंकि दिसंबर 19 से इसकी तुलना करें तो लगभग 64% माइनस में ग्रोथ गई है। दिसंबर 19 में रेडिगो की 1380 यूनिट बिकी थी, हालांकि नवंबर से भी इसकी काफी यूनिट कम बिकी है दिसंबर में, क्योंकि नवंबर 20 में 829 यूनिट बिकी थी। तो 829 यूनिट के बजाय अब दिसंबर में केवल 502 यूनिट बिकी थी, या महाधर्मा की तुलना में भी लगभग 29% की ग्रोथ माइनस में गई है और साल दर साल की तुलना में 64% कम बिकी है दिसंबर 19 से दिसंबर 20 में। निसान की गो और गो प्लस की बात करें तो दिसंबर 20 में 0 सेल हुई है इन दोनों की, हालांकि दिसंबर 19 में गो की 105 और गो प्लस की 67 यूनिट बिकी थी। और नवंबर की बात करें, नवंबर 20 की, तो उस समय भी 13 यूनिट गो की और गो प्लस की 17 यूनिट, 13 गो और गो प्लस की 17 यूनिट बिकी थी, लेकिन इस बार दिसंबर में एक भी यूनिट नहीं बिकी है गो प्लस और गो की। अगली कार निसान किक की बात करें तो किक्स की केवल 97 यूनिट दिसंबर 2020 में बिकी है, ये भी काफ़ी चिंताजनक है निसान के लिए। हालांकि दिसंबर 19 की बात करें तो उस समय इससे कहीं ज़्यादा 501 यूनिट किक्स की बिकी थी, तो यहाँ 81% का ग्रोथ माइनस में गया है। और यदि महाधर्मा की तुलना करें तो नवंबर 20 में भी 158 यूनिट बिकी थी, तो यहाँ भी लगभग 40% माइनस में गई है ग्रोथ। 158 से अब किक्स की केवल 97 यूनिट बिकी है दिसंबर 20 में। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये कि निसान की मैग्नाइट इस बार तहलका मचाने में सफल हुई और इसकी लॉन्चिंग के साथ इसकी डिमांड काफ़ी शानदार है। मैग्नाइट की बिक्री की बात करें तो दिसंबर 20 में इसके 560 यूनिट बिक चुके हैं, हालांकि दिसंबर 19 या नवंबर में ये कार क्योंकि थी नहीं, इसलिए इसकी चर्चा करना बेनामी है। लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि दिसंबर 20 में 560 यूनिट के साथ निसान की मैग्नाइट अपने कंपनी की जो सेल्स फिगर है उसमें टॉप पर रही है, कंपनी की टॉप सेलिंग कार मैग्नाइट रही है। और साथ ही साथ आशा कर सकते हैं कि जनवरी में शायद इससे कहीं ज़्यादा, हम ये मान सकते हैं कि लगभग 2500 या 3000 तक का आंकड़ा भी हमें देखने को मिल सकता है निसान मैग्नाइट को। तो निसान मैग्नाइट आने वाले समय में निसान के लिए काफ़ी अच्छे दिन लेके आएगी, हम ये आशा कर सकते हैं। अब यदि टोटल की बात करें तो दिसंबर 20 में निसान ने कुल 1159 यूनिट बेची है, उसमें 560 मैग्नाइट भी शामिल है। हालांकि दिसंबर 19 में इससे कहीं ज़्यादा 2169 यूनिट बिकी थी, लेकिन उसमें रेडिगो और किक्स की काफ़ी ज़्यादा यूनिट थी जो अब काफ़ी कम हो चुकी है। नवंबर 20 की बात करें तो 1017 यूनिट बिकी थी, तो यहाँ नवंबर से दिसंबर में 14% की ग्रोथ पॉजिटिव हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में निसान जो है वो मैग्नाइट के बल पर काफ़ी कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगी, ये हम आशा कर सकते हैं। तो साथियों, निसान की सेल्स फिगर को लेकर की ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सबका दिन शुभ हो, थैंक यू।